शालोम आलेखिम। मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है उत्पत्ति 39:21 से लेके 23 तक। ये यूसुफ की स्टोरी है जहाँ यहोवा यूसुफ के साथ रहता है, उसके बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 39:21 से लेके 23 तक। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा करी, और बंदी गृह में दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। ये यूसुफ की स्टोरी है जब यूसुफ को उसके भाइयों ने पैलेस्टाइन में मिस्री लोगों में बेच दिया, और वहां के सूबेदार की औरत ने उस पर नज़र करी और फिर उसमें उसको ब्लेम करके फिर उसको बंदी गृह में डाल दिया था। वही स्टोरी है, पर आप देखते हैं कि बंदी गृह में भी यहोवा यूसुफ के साथ होता है वैसे ही, और वो भी यहोवा को पूरी तरह से वफादार रहता है। कहीं भी वो अपना कुछ दिमाग नहीं चलाता कि क्या यहाँ से कैसे भाग जाऊँ या क्या किससे कैसे जाऊँ, और या उनके सामने लड़ने की कोई कोशिश नहीं करता है, पर अपने यहोवा को वो हमेशा ही विश्वास योग्य रहता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो जो कुछ करता था वहाँ उसके जो भी सीनियर्स थे उनको कुछ नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि यूसुफ एक वफादार बंदा है और यहोवा उसके साथ है, और वो जो कुछ करता है वो सब सही करता है। तो उसकी एक इमेज, एक रेपो ऐसी बन गई थी कि उसके काम में कोई देखने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है उस पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर कब हमारे साथ रहता है? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम जब पूरा भरोसा करके अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं। भाई और बहनों, हम आज कहीं भी हो, चाहे किसी ऑफिस में हो या स्कूल में, कॉलेज में हो, या किसी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, या घर पे रह के हम कुछ काम कर रहे हैं या प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसमें फल तभी आता है। अपने सीनियर्स के तरफ से कई जगहों पे ऐसे होता है कि बहुत परेशानियां होती है और अपने काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ ऐसे होता है, या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर हमारे साथ चलेगा और परमेश्वर अपनी कृपा हम पर रखेगा, तब ये सब बदल जाता है। सारी चीजें फिर अलग हो जाती है। जैसे एक और बाइबल की बात है डैनियल की, अगर डैनियल की हम बात करें तो वो भी बंदी गृह में डाला गया, वो भी सिंहों के बीच में डाला गया, वो भी आग में डाला गया, पर इसमें से कहीं भी उसको कोई चोट नहीं आएगी। और उसका जीवन देख के, उसका जो प्रभु के प्रति लगाव था वो देख के, वहाँ का राजा था वो मान गया कि हाँ भाई तुम्हारा खुदा सच्चा खुदा है। तो हमारा जीवन आज जहाँ भी हम है वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमको आशीष दे, पर क्या हमारा जीवन डैनियल की तरह है? क्या यूसुफ की तरह हमारा जीवन है? हम आशीष चाहते हैं पर हमारे तरफ से
उतनी वफादारी प्रभु की तरफ है क्या? फिर से चलो हम प्रभु के लिए खड़े होते, फिर से उसी वफादारी से प्रभु को हम अपना सब कुछ सौंप देते और प्रभु देखे कितना जल्दी हमें फिर से ऊंचाई पे लेके जाएगा। आज शायद हम किसी बहुत तकलीफ में हो सकते हैं, बहुत परेशानी में हो सकते हैं, आज हम अपने जीवन से परेशान हो सकते हैं, आज कुछ काम नहीं हो रहा ऐसा हमें फील हो सकता है, पर अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर का जो लेवल है उसके लायक तो बनना पड़ेगा। अगर यूसुफ को मिस्र में बेचा नहीं जाता तो एक दिन वो अपने घर को बचा नहीं पाता, वो वहीं वो भेड़ बकरियां चराता रहता और वहीं उसकी उसका जीवन खत्म हो जाता, पर उसके भाइयों ने उसके उससे दगा किया, उसको बेच दिया, और जहां पोटीफार की स्त्री ने भी उसके साथ दगा किया और उसको जेल में डाला गया। अगर ये सारी परेशानी अगर उसको नहीं आती तो वो ऊपर नहीं उठ पाता। मिस्र का जो ज्ञान था, वहाँ की जो स्टडी थी, वो सब कुछ उसको दिया गया। अगर वो अपने घर पे होता तो उसको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। तब यूसुफ वहाँ से भाग जाता तो उसको कुछ नहीं मिलता। मेरे भाई और बहनों, हम जहाँ है वहाँ डटे रहे, परमेश्वर के साथ रहे, अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखे और प्रभु हमें ऊपर ले जाएगा, ऊंचाई का जीवन देगा, हमें आत्मिक आशीष देगा। हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां हमको आशीष देगा, हम जहां भी स्टडी कर रहे हैं वहां हमको आशीष देगा, हमारा जीवन पूरा आशीष से भरेगा। प्रभु का वचन अब्राहम को कहता है कि तुम जहां भी जाओगे वो सारी जगह, वो सारे लोग आशीषित होंगे। आइए हम अपना जीवन भी फिर से एक बार फिर से साफ करके परमेश्वर के चरणों में रख दे और उसके साथ जुड़ जाए। कोई भी परेशानी हो, सब परेशानी भूल के बस परमेश्वर के हो लिए। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे खुदा, हम जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी जहां भी हम है, वहां हमें खुश रहना सिखाओ और हम आपसे जुड़े रहें। उसके लिए हमारा मन नम्र करो, हमें तोड़ के प्रभु आप ऊपर ले लो, क्योंकि जब हम गिरते हैं तभी आप हमें उठा पाओगे। हमारे जीवन आपको सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन।